उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम अपना बताया, विनीत कुमार रावत, कहीं पास ही दलित दलित के हाथों का मैं खाना खाऊंगा। उन्होंने मेरे मुंह पे थूक दिया। आजकल अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अब कहाँ होता है जातिवाद, जाति भेद तो पुराने जमाने की बात है, जातिवाद होता होगा तो कहीं गांव देहात में होता होगा, शहरों में अब कास्टिज्म नहीं होता। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर आई है जिसने साबित कर दिया कि जातिवाद भारतीयों की रगों में लहू की तरह दौड़ता है। लखनऊ में डिलीवरी बॉय के साथ एक शर्मनाक वारदात हुई है, जहां एक आदमी ने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया और ऑर्डर लेकर आए दलित डिलीवरी बॉय को जातिवादियों ने पहले अपमानित किया और फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। पूरा मामला क्या है पहले वो समझ लीजिए। लखनऊ में रहने वाले आशियाना निवासी डिलीवरी बॉय विनीत रावत एसी प्लांटेशन इंजीनियर की नौकरी करते हैं। इसके अलावा वे जोमेटो की फूड डिलीवरी भी करते हैं ताकि कुछ आमदनी उनकी हो सके। आशियाना के ही सेक्टर एच निवासी अजय सिंह ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी देने के लिए विनीत उनके घर पहुंचे थे। यहाँ विनीत से अजय और उसके साथियों ने पहले जाति पूछा कि कौन सी जाति है तुम्हारी, जिसके बाद जब विनीत ने बताया कि वो दलित हैं, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इस पर खाना ऑर्डर करने वाले अजय सिंह और उनके साथी भड़क गए। उन जातिवादियों ने डिलीवरी बॉय के साथ कथित तौर पर मारपीट भी की। इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। डिलीवरी बॉय ने मारपीट के बाद इसकी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई और पीड़ित ने कहा है कि मैं आशियाना थाने में गया था और दो नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें उसने बताया कि डिलीवरी बॉय को जाति सूचक गालियाँ दी गई और उसे बेरहमी से पीटा गया। और क्या हुआ कि वहाँ पे उनके भाई निकल कर आए अजय सिंह के, तो उन्होंने मेरे मुंह पे थूक दिया और अजय सिंह से मेरी बात ही चल रही थी, उन्होंने हमको एड्रेस बताया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने थूका, दोबारा थूका, उसके बाद क्या हुआ कि अजय सिंह आए। अजय सिंह आने के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम अपना बताया, विनीत कुमार रावत, कहीं पास ही दलित दलित के हाथों का मैं खाना खाऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना पासी किला लगता ही हमारा पासी किला एड्रेस बताया, बस वो सब नौकर जाकर आए, सब मेरी गाड़ी चाबी निकाली। जी जी पूछा था। फिर क्या रिएक्शन था लोगों का? फिर रिएक्शन क्या था, वो सारे लोग डंडे से ही, मतलब मैं बात कर रहा था वो बात सुन रहे थे फोन पे अजय सिंह, वो सब पूरा डंडा लेकर आ गए। ऐसा क्या हुआ जो सब डंडे उंडे लेके आ गए? ऐसा सर वो क्या हो गया, उनका भाई ने जो थूका था तो उसका विरोध कर रहा था मैं। किसने विरोध किया? मैंने इस तरह विरोध किया कि आपने मेरे मुंह पे क्यों थूक दिया, ये कोई तमीज है भाई साहब आपकी? वो सुन रहे थे, उसके बाद थूक दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो फोन सुनने तो वो अपने दोस्त को कोई छोड़ने वोड़ने गए होंगे, कहीं पर भी गए होंगे, फिर आ गए दो लोग डंडे लेकर। डंडे लेने के आने के बाद फिर उन्होंने सर पे ही डंडा मार दिया मेरे हेलमेट के ऊपर, इतनी तेज मारा कि मेरा अगर हेलमेट ना होता तो मेरा सर फट गया होता। उसके बाद मेरे हाथ पे मार दिया, चोट आई मेरे काफ़ी, यहाँ मारा। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा, काफ़ी दूर भागा, पीछा भी किया उन्होंने मेरा। तो ये क्या कुछ पुरानी लड़ाई झगड़ा? नहीं, पुरानी लड़ाई झगड़ा सर नहीं थी वो, सर हमारी सर किसी से क्या दुश्मनी होगी, हम लोग सर एक दिन में। आपको क्या लगता है क्यों आपसे मारपीट किया लोगों ने? उन्होंने सर मारपीट सर इसलिए की कि वो उनके भाई ने जो थूका था उसका मैंने विरोध किया, फिर मतलब कि मैं नीची जात का हूँ तो इसका मतलब सर वो क्या पूछेंगे, थूक दिया और हमने इसका विरोध कर दिया तो गलत कर दिया क्या मैंने? इसीलिए मारपीट। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये हुआ कि वो उन्होंने हमको मारना शुरू कर दिया, सब लोगों ने मिलकर निकल कर मारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर मैं भागते हुए हल्का फुल्का रेस्टोरेंट है वहाँ भाग गया। भागने के बाद क्या हुआ, मैं गाड़ी चाबी अभी सर निकाल ली, ठीक, गाड़ी चाबी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं भागा, फिर 112 डायल किया जल्दी से, मिलता भी नहीं, वेटिंग भी लगी थी उसमें, 112 आ गई। मतलब एक आदमी जो खाना ऑनलाइन मंगा रहा है और उसको देने के लिए जो डिलीवरी बॉय आया उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा था कि उसकी जाति क्या है, वो उसके हाथ से छुआ हुआ खाना नहीं खा सकता था और उसने सिर्फ यहीं पर अपनी दरिंदगी को नहीं रोका बल्कि उसके साथ मारपीट की और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पीड़ित के मुँह पर भी थूक दिया गया। इस तरह की वारदात यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई है। एफआईआर में कहा गया कि फूड डिलीवरी बॉय की जाति पूछकर उससे खाना लेने से इनकार किया गया। इस पर जब डिलीवरी बॉय ने कहा कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दो तो अजय सिंह समेत और उनके जो जातिवादी घटिया मानसिकता के जो साथी थे वो इससे भड़क गए।
इसकी जानकारी पहले डिलीवरी बॉय ने यूपी पुलिस को 112 नंबर कॉल पर उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उसके बाद जब पुलिस आई तो उन्होंने उसको बचाया, और अब दो नामजद और 12 जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है और यूपी पुलिस अब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये यूपी की राजधानी लखनऊ का मामला है, तो ऐसे में जो लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं होता है वो इस खबर के बाद क्या कहेंगे। क्या इस घटिया जातिवादी हरकत के बाद भी कोई कह सकता है कि अब जातिवाद नहीं होता? क्या ऐसी सड़ी हुई मानसिकता को देखने के बाद भी कोई ये दिखावा कर सकता है कि शहरों में लोग सभ्य हो गए हैं और अब छुआछूत जैसे बीमारी नहीं है? अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो या तो बहुत मूर्ख है या फिर सबसे शातिर है जो एक तरफ जाति को ना मानने का ढोंग करता है और दूसरी ओर हर चीज में बस जाति देखता है, और जब जाति के पीड़ित व्यक्ति अपनी जाति के साथ हो रहे भेदभाव पर, हिंसा पर, उत्पीड़न पर बात करते हैं तो वो उन्हें ही जातिवादी कहने लगता है। लोग आरक्षण को तो गालियां देने लगते हैं कि 70 साल से दलित पिछड़े आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, IAS का बेटा IAS बन रहा है, उनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन ऐसी घटिया लोग जातिवादी रूपी सांप का फन कुचलने की बात कभी नहीं करते। ये कभी नहीं कहते कि आरक्षण खत्म करने से पहले जातिवाद को खत्म कर देना चाहिए, फिर हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी। ये घटिया लोग ये नहीं कहते कि हजारों सालों से जिनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की जाती रही हैं, उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था बहुत जरूरी है, और हमें आरक्षण का नहीं बल्कि जातिवाद का, इस घटिया मानसिकता का विरोध करना चाहिए। अब जातिवाद नहीं है कहने वाले लोग अखबारों में पन्ने भर भर कर अपने बेटे बेटियों के लिए अपनी जाति और गोत्र का वर ढूंढने के लिए विज्ञापन देते हैं। अब कोई आपसे कहे कि जातिवाद नहीं होता तो उस घटिया आदमी को इस वीडियो का लिंक भेज देना, उसे खुद ही शर्म आ जाएगी। इस पूरी वारदात पर आपका क्या कहना है? लखनऊ के इन घटिया जातिवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आप क्या पुलिस से कहेंगे? यूपी की सरकार से आप क्या मांग करेंगे? उस पर अपनी राय कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी खबरें उस मनु मीडिया के लिए हेडलाइन नहीं बनती जिनके लिए हिंदू मुस्लिम बाइनरी में उलझाकर दलितों, पिछड़ों की अकमारी, आदिवासियों की अकमारी के खिलाफ एजेंडा सेट किया जाता है, तो उनके भरोसे ना रहें। बहुजन मीडिया ही आपका असली मीडिया है, इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन दबाएँ ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे अपील है कि हमें और ताकतवर बनाएं और अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।